यूपीआई क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत सारे सवाल मन में उठते रहते हैं, वैसे ही सवाल का एक जवाब मैं लेके आया हूँ आप लोगों के पास। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि यूपीआई क्रेडिट कार्ड जब भी आप यूज कर लेते हैं तो उसका बिल पे आपको कैसे करना है, आप उसका बिल पे कैसे कर सकते हैं, उसका भुगतान जो है वो तारीख से पहले कैसे करना है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप जो है एक कार्ड यूज कर रहे हैं, कोई भी अदर कार्ड, तो आपको उसके थ्रू यूपीआई क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। जैसे कि HDFC और बहुत सारे ऐसे 4-5 बैंक है जो लिस्टेड बैंक है जो यूपीआई क्रेडिट कार्ड को प्रोवाइड करती है और यूपीआई क्रेडिट कार्ड दे भी दिया है बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स को। मेरे पास भी अभी यूपीआई क्रेडिट कार्ड है और मैं उस कार्ड को यूज कर चुका हूँ। मैंने एक कार्ड को यूज किया है जिसमें मैंने लगभग 15,000 रुपये यूज किया है और मेरा जो यूपीआई क्रेडिट कार्ड है उसमें मैंने 9,000 रुपये यूज किया है। मैंने टोटल के टोटल 24,000 यूज किया है जिसमें मेरा लिमिट था 50,000। अब हमें इस कार्ड का पेमेंट करना है तो हम कैसे करेंगे? क्या हम इस कार्ड का पेमेंट एक ही कार्ड पे कर देंगे तो हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो लिमिट है वो दोनों कार्ड के मिलकर 50,000 है। तो ऐसा ही सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है, इसी सवाल को आज हम हल करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रघुनंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल रघु। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप अगर एक क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपका जितना भी क्रेडिट कार्ड पे लिमिट है उसी लिमिट को शेयर करके आपको यूपीआई क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। लेकिन जब भी आपको यूपीआई क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आप उसको यूज अलग अलग ढंग से करते हैं। यूपीआई क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि सीधे आपके पास एक बैंक अकाउंट में पैसा, जैसे सेविंग अकाउंट में जमा होता है, उसी प्रकार से आप किसी को यूपीआई के थ्रू किसी मर्चेंट को पैसा भेजते हैं। मतलब आपके बैंक से एक भी रुपए एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है और आप उसको दूसरे बैंक में, मतलब दूसरे के अकाउंट में भेज सकते हैं या फिर कुछ किसी शॉप ऑनर को भेज सकते हैं और वहां से आप कैश भी ले सकते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स है यूपीआई क्रेडिट कार्ड को लेकर। लेकिन यूपीआई क्रेडिट कार्ड का बिल आप कैसे पे करेंगे, इसके लिए बहुत सारे जो है वो क्वेश्चंस आप लोगों के मन में भी होगा, क्योंकि यूपीआई क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है उसी तारीख को जिस तारीख को आपका फिजिकली क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है। यूपीआई क्रेडिट कार्ड एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है और इसका जो बिल है वो आपको मोबाइल पे ही मिलेगा और फिजिकल वाला कोई मोबाइल नहीं मिलता है। लेकिन दोनों का जो भरने का जो रूल है, रेगुलेशन है, दोनों का अलग अलग है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ कैशबैक के कारण और कुछ रिवॉर्ड्स पॉइंट के चलते लोग थर्ड पार्टी ऐप का यूज करते हैं और उसके जंजाल में धीरे धीरे फंसते जाते हैं। तो आप कभी भी ऐसे ऐप का यूज करें जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं हो, कि थोड़ा सा कैशबैक और थोड़ा सा रिवॉर्ड्स पॉइंट के चलते आप अपना पर्सनल डाटा किसी को शेयर कर देते हैं, ये बहुत बुरी चीज होती है और आगे चल के आपको प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल पे करते हैं तो अगर कोई थर्ड पार्टी ऐप से अगर आप बिल पे कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत कैशबैक या रिवॉर्ड्स पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन आप अगर जेन्युइन जो ऐप है उससे बिल पे करेंगे तो आपको हो सकता है कि आपको कैशबैक ना मिले या थोड़ा बहुत मिले। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप क्रेडिट कार्ड तो यूज कर लिए हैं लेकिन उसका बिल पे करना है, तो बिल पे करने के लिए किसी भी थर्ड पार्टी ऐप का यूज ना करें, जो जेन्युइन ऐप है उसका यूज करें और उसी के ऐप के यूज से आप जो है वो बिल को पे करें हमेशा के लिए। और हमेशा आप उसी ऐप का यूज करें, एक ऐप का, जिससे आपका बिल सेटलमेंट जल्दी हो और आपको फ्रॉड होने का चांसेस काफी कम रहे। तो चलिए बताते हैं आपको कि बिल पे कैसे करना है। मेरे केस में मेरे पास 50,000 का लिमिट है और मैंने यूज कर लिया है एक क्रेडिट कार्ड में जो है वो 15,000 और दूसरा क्रेडिट कार्ड में यूज कर लिया 9,000, यानी कि टोटल मैंने यूज कर लिया है 24,000 और मेरे पास जो है वो 50,000 का लिमिट है। अभी मेरे पास 26,000 रुपए का लिमिट बचा हुआ है, लेकिन हमें बिल जनरेट हो चुका है और हमें बिल जनरेट होने के ड्यू डेट से पहले बिल को पे करना है। और अभी ड्यू डेट का टाइम काफी बचा हुआ है लेकिन मैं बिल को पे करूंगा, क्योंकि अगर ड्यू डेट से मैं काफी दिन पहले अगर बिल पे करता हूं तो मेरे क्रेडिट स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ेगा और हमारे जो फ्यूचर में जो हमारा जो लिमिट है वो लिमिट को भी इंक्रीज कर दिया जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको बताते हैं और लेके चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और वहां से आपको दिखाता हूं कि कैसे आप अपने यूपीआई क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो पे कर सकते हैं और आसानी तरीके से और अच्छे तरीके से और जेन्युइन ऐप से। तो चलिए स्टार्ट। तो अभी हम आ चुके हैं मोबाइल फ़ोन के स्क्रीन पे और आपको बता दो कि सबसे अच्छा और सेफ तरीका जो है वो पेटीएम ऐप से ही अगर आप बिल को पे करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा होगा। मेरे पास एक क्रेड ऐप भी है लेकिन मैं इसका बहुत कम यूज़ करता हूँ, ना के बराबर ही, क्योंकि इस पर मुझे ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए हम आपको शुरू करके बताते हैं पेटीएम ऐप। पेटीएम ऐप को सबसे पहले हम ऑन कर लेते हैं, पेटीएम ऐप को चालू करते हैं और चालू करने के बाद देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आपको दिखाई देगा पेटीएम का। और आपके पास अमूमन लोगों के पास पेटीएम होता ही है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप एक पेटीएम डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से जो है वो पेटीएम बैंक भी चालू कर सकते हैं। ये काफी अच्छा बैंक है, इसके बारे में मैं एक वीडियो ऑलरेडी आप लोगों को दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से पेटीएम बैंक जो है मेरा बैंक चालू है और मेरे बैंक में कितना बैलेंस है वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। आप लोगों को यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे पेटीएम में जो है वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से बिल पे करेंगे। देख लीजिए 70 रुपये का बैलेंस है और हमें जो बिल है वो बिल काफी ज्यादा है और उसको हमें पे करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाएंगे, नीचे में स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप फ्री में क्रेडिट स्कोर भी अपना चेक कर सकते हैं, आपका जो क्रेडिट स्कोर है कितना है और आपके ऊपर कितना ड्यूज अमाउंट है, कितना लोन है, वो बाकी सब के सब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसा कि देख लीजिए मेरा क्रेडिट जो है वो स्कोर 818 है और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नीचे में दिखाई देगा
सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट तरीका यहाँ से बिल पे करने का, सबसे अच्छा यहाँ पे देख लीजिए क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन है। क्रेडिट कार्ड पेमेंट का ऑप्शन पेटीएम में ऑलरेडी अच्छे से दिया गया है और अच्छे से बताया गया है। यहाँ पे आप पर क्लिक कर देंगे, अगर आप फर्स्ट टाइम क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपका अपना क्रेडिट कार्ड, जो भी जितना भी क्रेडिट कार्ड है आप सबके सब इसमें ऐड कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। तो हमने दो क्रेडिट कार्ड को ऐड कर रखा है, दोनों HDFC का है। नीचे में देख सकते हैं यहाँ पे UPI लिखा हुआ है, UPI क्रेडिट कार्ड, तो इस UPI क्रेडिट कार्ड है और इसके ऊपर वाला जो हमने इसके साथ ये क्रेडिट कार्ड लिया है वो वाला क्रेडिट कार्ड है, मतलब ये हमारा मेन क्रेडिट कार्ड है और ये UPI क्रेडिट कार्ड है, ये भी HDFC का है, ये भी HDFC का है। इसके थ्रू मैंने ये क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया था और ये आ गया था। तो जिसके पास ये मेन क्रेडिट कार्ड रहेगा उसी को UPI क्रेडिट कार्ड मिलेगा, ये तो आप सबको पता है। लेकिन अगर आप बिल पे करते हैं तो दोनों क्रेडिट कार्ड का अलग अलग आपको बिल पे करना है, मतलब आपने जितना जितना यूज किया है आपको उतना उतना बिल पे करना है। अगर आप एक बार क्रेडिट कार्ड को इसमें ऐड कर लेते हैं तो ऐड करने के बाद आपको बार बार ऐड करने का झंझट नहीं रहेगा और आपको कितना जो भी आपका अमाउंट आएगा, जो भी मिनिमम अमाउंट आएगा, जो भी ऑल अमाउंट आएगा, ओवरऑल जो भी इतना जितना अमाउंट आने वाला है सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे ड्यू डेट भी आपको दिखाई देगा और पेटीएम की तरफ से आपको एक मैसेज भी आ जाएगा जब आपका बिल जनरेट होगा। तब यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में हमको जो है और दोनों कार्ड के मिलाकर टोटल जो है 24,713 रुपए का पेमेंट करना है। यहाँ पे ड्यू और टू कार्ड्स दिखाई दे रहा है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे और अच्छे से मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे हमारा कार्ड का एंडिंग नंबर भी दिखाई दे रहा है और यहाँ पे कार्ड का एंडिंग नंबर दिखाई दे रहा है। और हमें अभी जो बिल पे करना है वो बिल पे करना है हमारा जो मेन कार्ड है उसका 15,683 रुपए का और जो हमारा UPI क्रेडिट कार्ड है उसका 9,030 रुपए का। दोनों कार्ड में मैंने इतने इतने का बिल जो है हमको पे करना है और मिनिमम ड्यू यहाँ पे 790 रुपए है, यहाँ पे 460 रुपए UPI क्रेडिट कार्ड का 460 रुपये मिनिमम ड्यूज है। मिनिमम ड्यूज के ऊपर भी मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के रखा है और आप लोगों को मैंने चैनल पर बता भी दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें। ये नीचे वाला हमारा एक क्रेडिट कार्ड है इंडसइंड बैंक का, लेकिन इसका अभी तक बिल जनरेट नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे दिखाया नहीं है, इसको भी मैंने ऐड करके रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले जाके यहाँ पे आप इसको ऐड कर लीजिए, ऐड करना एकदम काफ़ी सिंपल है, आपको सिर्फ क्रेडिट कार्ड का नंबर जो है वो डालना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो हमको यहाँ से बिल पे करना है, तो बिल पे करने से पहले हम सबसे पहले अपने जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे पेटीएम बैंक अकाउंट उसमें हम पैसे को ट्रांसफर करेंगे कि जितना रुपए हमें पे करना है उतना रुपए हम पहले इसमें ऐड करेंगे। तो हमारे अकाउंट में जो है वो पेटीएम में पैसे को ट्रांसफर देख लीजिए, बिल्कुल पैसे ट्रांसफर हो चुका है और हमारा जो पेटीएम में पैसा आ भी चुका है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं अभी तुरंत, एक सेकेंड के अंदर में हमारा पैसा जो है वो क्रिएट हो जाता है और यहाँ से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। यहाँ पे पेटीएम बैंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डालेंगे, जो भी हमारा पिन बना है वो पिन डालेंगे और पिन डालने का देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो पेटीएम अकाउंट है उसमें हमारे 25,000 रुपये मैंने जो ट्रांसफर किया था वो आ चुके हैं। अब हमको यहाँ से बिल पे करना है, तो बिल पे करने के लिए हम सबसे पहले क्रेडिट कार्ड पेमेंट पे जाएंगे। क्रेडिट कार्ड पेमेंट जाने के बाद हमको 15,683 रुपये का जो मेन अकाउंट मेन क्रेडिट कार्ड का बिल है उसको पे करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिनिमम ड्यू पे करना है या फिर जो टोटल ड्यू है वो पे करना है, तो हमें टोटल ड्यू पे करना है तो हम टोटल पे क्लिक करके रख देंगे। और अगर आपको अदर अमाउंट पे करना है तो अभी आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, आपका मर्जी जितना आप अमाउंट पे करना चाहते हैं उतना अमाउंट पे कर सकते हैं, लेकिन आपको जो डेट दिया गया है उस डेट तक आपको पूरा फुल अमाउंट पे कर देना है। लेकिन अभी हम ये सब झंझट से बेकार से अच्छा है कि हम एक बार ही इसको टोटल अमाउंट दे देते हैं, तो टोटल अमाउंट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कैशबैक के लिए भी थोड़ा बहुत जो भी चाहिए आपको अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आपको जो चाहिए, मतलब बहुत सारे यहाँ पे कूपन दिया गया है, आप कोई सभी कूपन को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारा सबसे अच्छा हमें लग रहा है वो हमें ऊपर वाला ही लग रहा है, तो हम ऊपर वाले पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये ऑफर का जो लिमिट है वो कुछ अलग है, तो यहाँ पे हम छोड़ देते हैं इसको। फिर हम यहाँ पे दूसरा वाला अप्लाई कर लेते हैं, दूसरा वाला कूपन जो है सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है और अभी हम यहाँ से इसको हम पे करने वाले हैं। तो प्रोसीड टू पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पेटीएम बैंक, देख सकते हैं यहाँ पे पेटीएम बैंक है और यहाँ पे अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं अपने हिसाब से फ़ोनपे के द्वारा या फिर जो भी आपको अच्छा लगे, यहाँ पे देख सकते हैं गूगल पे है, अमेजोन पे है या फिर अदर कोई भी सा भी UPI आईडी है वो डाल सकते हैं यहाँ पे और UPI डाल के आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सब झंझट से अच्छा है कि हम डायरेक्ट ही पेटीएम से पेमेंट करेंगे। पेटीएम बैंक पे हमने टिक लगा लिया है, पेटीएम पे टिक लगाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अमाउंट दिखाई दे रहा है 15,683 रुपये जो है हमें वहाँ पे सेंड कर देना है, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम अपना जो है वो इंटर पासकोड डालेंगे और तुरंत हम इसको सेंड कर देते हैं। तो दोस्तों हमने पासकोड डाल दिया है और ये जो है पेटीएम से पैसे कट होके हमारे क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो पेमेंट हो रहा है और ये जस्ट एक मिनट के अंदर पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो बिल पे हो चुका है और यहाँ पे जो कार्ड का एस्टीमेट टाइम है सिर्फ 5 मिनट, मतलब 5 मिनट के अंदर हमारा बिल सेटलमेंट हो जाएगा, एकदम फास्ट और क्विक सर्विस, इतना ज़्यादा क्विक सर्विस कोई भी ऐप नहीं देता है। दोस्तों अभी हमने एक पेमेंट कर दिया है, अब हमें दूसरा पेमेंट करना है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पेमेंट कर दिया है, यहाँ पे पेमेंट प्रोसेस पे है, 5 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएगा
प्रोसेस, और हमें दूसरा पेमेंट करना है, दूसरा पेमेंट हमें यूपीआई क्रेडिट कार्ड का करना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपका डिटेल्स चाहिए डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, और हमें यहाँ पे 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 ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हम पे के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टोटल ड्यू, हमें इसका भी टोटल ड्यू अमाउंट पे करना है, तो हमें टोटल ड्यू अमाउंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें कोई ऑफर अगर सिलेक्ट करना है तो कोई ऑफर सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने अनुसार। हम फिर से कर लेते हैं, कोई ऑफर सिलेक्ट ये भी नहीं होने वाला है अभी, जो ऑफर सिलेक्ट हो जाएगा और देख सकते हैं ये भी नहीं हो रहा है अभी, आपको ऐसे ये ऑफर सेलेक्ट हो गया। तो अभी हम प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे और इसका भी अमाउंट जो है वो हम पे कर देंगे। देख सकते हैं फिर से सेम प्रोसेस रहेगा, उसी पेमेंट से हम पेटीएम पेमेंट से हम इसको भी पे करने वाले हैं। यहाँ से आप क्रेडिट कार्ड से भी बिल पे कर सकते हैं, लेकिन उसका रूल रेगुलेशन कुछ अलग है। तो यहाँ पे अभी हम आपको दिखा रहे हैं सीधा का सीधा बैंक अकाउंट से पे करने का ऑप्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 9,334 रुपये जो है वो हमारे अकाउंट में बैलेंस है, और हमें 9,030 रुपये सेंड कर देना है पेटीएम में, पेटीएम के थ्रू हमारे क्रेडिट कार्ड में। तो अभी हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, पे कर देते हैं, और यहाँ पर पासवर्ड जो है वो हम डाल देते हैं। और पासवर्ड डालने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो बिल पे होना चालू हो चुका है, और ये भी बिल हमारा सक्सेसफुली पे हो चुका है। हमको एक नोटिफिकेशन भी आ गया, मैसेज भी आ गया, और यहाँ पे जो है वो सारे के सारे डिटेल्स आ गए हैं कि आप बिल पे कर दिए हैं, और आपका भी बिल जो है 5 मिनट के अंदर सेटलमेंट हो जाएगा। मतलब इतना क्विक सर्विस किसी ऐप ने अभी तक हमें नहीं दिया है, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप जब भी बिल पे करें तो किसी अच्छे ऐप से बिल पे करें, जिससे आपको जो है जेन्युइन तरीके से किसी के साथ अगर आप अपना डाटा शेयर करते हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम तकलीफ ना हो आगे दिन चल के। तो हमने बिल पे कर दिया है और दोनों बिल हमारा अच्छे तरीके से पे हो चुका है, और दोनों बिल हमारा प्रोसेस में है। 5 मिनट में ये बिल हमारा दोनों जो है वो क्लियर हो जाएगा। और बता दूँ आपको कि लगभग अभी देख सकते हैं यहाँ पे एक बिल जो है हमारा क्लियर हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं पेड लिख दिया है और एक बिल क्लियर हो चुका है, और दूसरा बिल जो है वो भी पेमेंट प्रोसेस में है, वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।